खबर ये आ रही है अभी अभी, करेक्ट, जो खबरें इंटरनेशनल वायर्स से आ रही हैं कि अदानी ग्रुप जो है अंबुजा, देखिए हाँ रॉयटर्स ने डाली ये खबर कि सांगी इंडस्ट्रीज फाइनली टेक ओवर हो गया। पॉइंट ये है कि इसका तो हो गया टेक ओवर। मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हमारे साथ सीमा श्रीवास्तव जुड़ रही है SNC से, कि दूसरे और कौन से कैंडिडेट्स हैं जो टेक ओवर कैंडिडेट्स हैं, और M&A किक ऑफ हो चुका है छोटे सीमेंट स्टॉक्स में। सीमा बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह बात करने की हमसे। बताइए कौन से और स्टॉक्स आपको नजर आते हैं जो टेक ओवर कैंडिडेट्स दिखते हैं? गुड मॉर्निंग टू यू एंड प्रियंका टू। एक्चुअली सांगी इंडस्ट्री की जो खबर है कि इसको काफी सारी कंपनियां इसको लेने के लिए होड़ में थी, जैसे पहले अल्ट्रा टेक सीमेंट, डालमिया भारत, JK ऑर्गेनाइजेशन, निर्मा ग्रुप और JSW सीमेंट, दीज आर दी कंपनीज जो कि पहले इसको लेने की होड़ में लगी हुई थी। लेकिन अब जो है कंपनी अडानी ग्रुप एंड JK लक्ष्मी सीमेंट, ये इस कंपनी को लेना चाहते हैं। और जैसे आपने अभी बताया कि काफी समय से, लास्ट 2 मंथ से इसका ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस भी चल रहा था। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि सांगी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन इतनी बड़ी है, जो कि मीडिया की खबरों के हिसाब से देखें तो कम से कम 6,000 करोड़ की वैल्यू के हिसाब से इसको रेट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये कंपनी जो है इसका 72% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की है, और 72% होल्डिंग में से 99% होल्डिंग इसकी प्लेज है। तो इसे डेट लेडन कंपनी, इसे हैवी डेट लेडन कंपनी, और उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन है, अगर हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चली जाऊं कि बैंकर्स जिस हिसाब से लोन देते हैं उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसकी 935 करोड़ की सेल थी FY23 में। अब उसका मैं 5 गुना लेती हूँ तो अराउंड इसकी 3600 से 4000 करोड़ के अराउंड वैल्यू होनी चाहिए इस समय, जो कि मेरे को ठीक लगती है। अगर इतनी वैल्यूएशन इसको मिलती है तो ठीक है, क्योंकि कंपनी के अभी एक्सटेंशन प्लान्स भी काफी हैं। तो अगर और एक चीज और है कि अगर आप इसको देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे थोड़ा सा, तो इसमें क्या है कि लेट 2022 में, 2022 में कोटक महिंद्रा बैंक ने इसमें $67 की इन्वेस्टमेंट की थी, हेल्प दिया था एक तरह से देखा जाए तो, लिक्विडिटी प्रोफाइल और इसके ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन द डेट फॉर्म, जो कि अभी तक इसको उसका बड़ा प्रपोर्शन एज ए इंटरेस्ट जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि अभी तक कंपनी लास्ट 2 इयर्स कंपनी लॉस में है और कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है, कंपनी की शेयर होल्डिंग भी, प्रमोटर होल्डिंग भी 99% प्लेज है, इवन दो अगर इसको अडानी ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप का साथ मिलता है तो ये कंपनी आगे परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान काफी है। अगर इसके बिजनेस को देखें कि ये कहाँ कहाँ कैटर करता है अपने बिजनेस को, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये कैटर करता है, और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 6.1 मीट्रिक टन पर एनम है। तो कहानी यह है कि सांगे इंडस्ट्री अच्छी है या बुरी, मतलब अभी तक तो क्या है, बिकॉज ऑफ डेट, बिकॉज ऑफ हैवी लिक्विडिटी इसमें एक प्रॉब्लम है जिसके बिजनेस को, ये अपने बिजनेस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं कि 4000 करोड़ तक की वैल्यूएशन अगर इसको मिलती है अडानी ग्रुप से तो इट वुड नॉट बी वेरी कॉस्टली। और एक चीज और है अजय जी, जो मैं बताना चाहूंगी कि अराउंड जो जब इसको श्री सीमेंट ने डिक्लाइन किया था तो श्री सीमेंट इसमें 40 से 70% स्टेक लेना चाहता था। तो अगर ये सारा का सारा 70% स्टेक लेता है तो अंबुजा सीमेंट इसका के लिए ये 100% अंबुजा सीमेंट इसकी पैरेंट कंपनी बन जाएगी और ये अंबुजा सीमेंट की सब्सिडरी कंपनी होगी। तो बिजनेस फ्रंट से जिस हिसाब से अडानी जी का एक आइडिया चल रहा है कि हम ACC और अंबुजा को मर्जर नहीं करेंगे, दोनों को इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह चलाएंगे, प्लस और भी कुछ एक्विजिशन करेंगे, तो अल्टीमेटली उनका जो रुख है वो इंडिया के सीमेंट सेक्टर को कैटर करना है अन हैवी वे। अभी तक अल्ट्राटेक सीमेंट है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, आफ्टर दैट, आफ्टर दिस एक्विजिशन, इवन दो ACC और अडानी के ACC अंबुजा के एक्विजिशन के बाद भी अडानी ग्रुप जो है वो एक सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी के रूप में उभर कर आई है। तो अगर सांगी भी इसके साथ आ जाती है तो डेफिनेटली एक वैल्यू एडिशन होगा। तो मेरे हिसाब से मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव देख रही है फॉर दी सांगी इंडस्ट्री एंड फॉर दी अंबुजा ग्रुप टू, अंबुजा सीमेंट टू और अडानी ग्रुप टू। ओवर टू यू। ठीक है सीमा जी, 95 पे बंद हुआ है सांगी इंडस्ट्रीज, तो आज रिएक्शन काफी स्ट्रांग आ सकता है क्या, और अंबुजा पे इसका कितना फर्क पड़ेगा? मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से पूछ रहा हूँ मार्केट में। बिल्कुल आ सकता है, लास्ट 1 मंथ से मैं इसका देख रही हूँ, इसका जो मूवमेंट है अराउंड 29% ये 1 मंथ से मूव कर गया विद दिस न्यूज। तो ये आज न्यूज ऑलमोस्ट जब ये फ्लैश हो जाएगी फाइनली ऑन दी मतलब सोर्सेज के साथ कि कितना रेशो होगा,
और कितना परसेंटेज होगा और क्या मतलब इसका ओपन ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी वैल्यूएशन मिलेगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली एक स्पाइक आएगा आज, बट दैट स्पाइक मे बी फिजल आउट ड्यूरिंग द रैली ड्यूरिंग द डे. तो आज की डेट में मेरे हिसाब से तो इसमें प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए और उसके बाद से जब इसका एक सिनर्जी मर्जर का डिसाइड हो जाए, एक्विजिशन का डिसाइड हो जाए, तो उसके बाद से फिर शेयर होल्डर को इसमें सारी कंडीशन को देखते हुए पोजीशन बना सकते हैं. प्लस एक चीज और भी है कि सांगे इंडस्ट्री क्या है ना कि एक्सपेंशन फुट पे भी जा रहा था स्लोली स्टीडली. तो अगर उस एक्सपेंशन फुट पे अगर वो इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह था और तब वो एक्सटेंशन फुट पे जा रहा था और सेम चीज अगर अंबुजा के साथ रह के भी कैरी ऑन रखता है तो इसके फाइनेंशियल्स ओवर द टाइमिंग इंप्रूव हो सकते हैं. थोड़ा इसके पर बर्डन ये है कि इसके पास पावर एंड फ्यूल का कॉस्ट बहुत हाई रहता है 79% एंड फाइनेंस कॉस्ट का जो है उसका बर्डन बहुत ज्यादा रहता है. तो बड़े ग्रुप में आने से क्या होगा, इसका जो कॉस्टिंग है वो कम. ठीक है सीमा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आज से बातचीत करके और आपने अच्छे से डिटेल में सारी स्टडी करके बता दिया कि एक्चुअली इस सीमेंट कंपनीज के लिए एक बेनिफिशियरी हो सकता है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए.